तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास की लागत से आसपास डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्रीसुमी डेवलपर की, और क्रीसुमी को आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि क्रीसुमी यहाँ पे एक अपनी सिटी है वो डेवलप करने वाला है। सिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तकरीबन 65 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पे परचेज किया था। 65 एकड़ के अंदर से 10 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने मैक्स को दे दिया। इनके पास अभी 55 एकड़ का जो लैंड पार्सल है वो बचा हुआ है जिसमें ये क्रीसुमी सिटी है वो डेवलप करने वाले हैं। जो ये क्रीसुमी है, जिस टाइम इन्होंने फेज वन लॉन्च किया था तकरीबन 2019 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जब ये आधा बाजार में, तो मोस्टली लोगों का मानना था कि ये नया डेवलपर है, नहीं बनाएगा या कुछ रेट ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम जो रेट प्राइस हुआ करते थे कुछ ज्यादा ही हुआ करते थे। तो इन्होंने ये स्टार्टिंग की थी। तो इसको जो बनाने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन जो पार्टनर इनको बनाता है, वो है जी टाटा प्रोजेक्ट इसको बनाता है। जो क्वालिटी देता है आपको पता ही है, ये है कि टाटा के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत मजबूती के होते हैं, क्योंकि वो जो वॉल्स और वो सारी चीजें कार्पेट एरिया आपको बहुत कम देखने को मिलता है जहां भी टाटा प्रोजेक्ट बनाता है। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये जो चीज है क्रीसुमी है, कि ये जो डेवलपर क्रीसुमी है ये कैसे है, क्रीसुमी यानी कृष्णा ग्रुप है और सुमी यानी सुमीटोमो जो कि जापान बेस है। तो क्या है कि अपने इंडिया के अंदर जब भी कोई बाहर से कोई कंपनी आती है तो वो डायरेक्टली अपना काम नहीं कर सकती या डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती, उसको किसी इंडियन कंपनी के साथ जेवी करना पड़ता है, तब जाके वो इंडिया मार्केट के अंदर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। जैसे किसी टाइम पहले दुबई से MR आया था, उसने MGF के साथ यहाँ पे जेवी किया। अब जैसे कि ये सुमीटोमो जापान से इंडिया आया तो इन्होंने कृष्णा ग्रुप के साथ अपना जेवी किया और तब ये प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये हाई राइज अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट है वो लॉन्च कर चुके हैं, फेज वन, फेज टू जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स था, अब फेज थ्री लॉन्च किया है जिसमें रेजिडेंशियल 3 टावर हैं और एक स्टूडियो का अलग से 1 टावर है वो लॉन्च किया जाएगा, इसको हम फेज थ्री बोलते हैं। तो टोटल अभी जो लाइसेंस मिल चुका है इनको 30 एकड़ का लाइसेंस मिल चुका है, जिसमें से ये अब फेज थर्ड तक पहुंच चुके हैं, फिर फेज फाइव आएगा, फेज सेवन तक इनका लाइसेंस इनके पास मिला हुआ है। तो जैसे जैसे ये फेस लॉन्च करेंगे, टावर लॉन्च करेंगे, उसी फेस का ये रेरा लेते रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी वहां की जो लोकेलिटी है वो कैसी है, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है। दोस्तों मैं तो उसके लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाना चाहूंगा, थोड़ी सी लोकेशन आपको गाइड करना चाहूंगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो हम इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम डालते रहते हैं ताकि आपको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आपको पता चले। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इसकी आसपास की क्या क्या, आपको मैं ग्लोबल सिटी का मैप भी दिखाऊंगा कि ग्लोबल सिटी का मैप कैसा है। तो दोस्तों देखो, इसमें जहां पे ये रेड रेड जो गोल चक्कर है ये है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर, ठीक है। हम सबसे पहले कनेक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं। ये है आपका क्लोवरलीफ फ्लाईओवर, और ये वाला जो रोड है ये है नेशनल हाईवे NH8, ये गुड़गांव का राजीव चौक है। उसके बाद ये वाला जो रोड है, छोटा सा रोड अगर आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल फेरी रोड है जो 3.5 किलोमीटर लंबा है, और ये कनेक्ट होता है द्वारका एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे NH8 को कनेक्ट करता है। तो यानी 3 रोड को ये कनेक्ट करता है, एक हो गया द्वारका एक्सप्रेस वे, दूसरा हो गया नेशनल हाईवे NH8, और फिर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, और साथ में अगर हम एक 4th रोड की बात कर लेते हैं तो SPR रोड, यानी SPR रोड को भी कनेक्ट करता है। तो ये लोकेशन एज ए सेंटर है जिसके अंदर एक मेजर हब है वो डेवलप किया जाना है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे कनेक्ट किया जाना है, जो कि डायरेक्ट आपका जो टोल है खेकी डोला टोल यहाँ पे है। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे सीधा हम एयरपोर्ट दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो है मेजर जो हाईवे है, और इसी प्रोजेक्ट के पास इतने बड़े हाईवे हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट के पास नहीं है। तो क्रीसुमी की अगर लैंड पार्सल देखें तो ये वाले जो लैंड पार्सल आता है ये पूरा क्रीसुमी का आता है, बिल्कुल इस यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और इसकी सर्विस लाइन से इस प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। दूसरा अगर लैंड पार्सल देखें तो ये आपका जो लैंड पार्सल आता है जी, ये 1003 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी, यानी जो ग्लोबल सिटी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट की जानी, लाइक ए कमर्शियल, रेजिडेंशियल, IT हब,
बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी जो कि हमने सोचा भी नहीं था। इसका मैं मैप भी आपको दिखाऊंगा। ये मात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल सिटी के साथ अपनी वॉल शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो थी आपके लिए एक कनेक्टिविटी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसके अंदर ISBT और आपका मेट्रो डिपो आप इसी प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आ रहा है। सभी जो मेट्रो होंगी वो यहीं से आपकी कनेक्ट की जाएंगी, चाहे वो द्वारका एक के लिए हो या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आप मानेसर की बात कर रहे हो, या साथ के साथ RRTS की बात कर रहे हो, आप नेशनल हाईवे NH8 के साथ साथ। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी यहीं से आपकी होगी। उसके बाद इसके फ्रंट में 220 एकड़ का गोल्फ एरिया खाली है जो इस प्रोजेक्ट को फेस करेगा। तो गोल्फ एरिया इतना बढ़िया है यहाँ का, क्योंकि साथ में इतना बड़ा मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में ग्रीन एरिया, साथ में आपका बस स्टैंड और मेट्रो डिपो। उसके बाद अगर हम IT और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पहला तो ग्लोबल सिटी के अंदर आपका 1003 एकड़, उसके बाद सेक्टर 88 पूरा कमर्शियल सेक्टर जिसमें विजन सिटी साइंस सिटी प्लान की जानी है। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस के फ्रंट फ्रंट में आपकी 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट। उसके बाद इधर देखेंगे तो सेक्टर 88A, 88B और साथ में 37D के पास भी कमर्शियल बेल्ट लगती है और साथ में इंडस्ट्रियल बेल्ट आती है। कनेक्टिविटी साथ में एक पटौदी रोड हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR रोड, अब मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और नेशनल हाईवे NH8 और 250 एकड़ की DLF की यहाँ पे साइबर सिटी 2 का आना। तो ये आपको कनेक्ट करते हैं मेजर हाईवे और आपकी एम्प्लॉयमेंट। आप इस रास्ते से चाहे एयरपोर्ट रोड के थ्रू आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको डिस्कस करूंगा इस प्रोजेक्ट का लेआउट किस तरीके का है। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार ग्लोबल सिटी का जो लेआउट है वो कैसा है। तो ये वाला जो लेआउट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये है ग्लोबल सिटी। तो ये जो लेआउट है ये ग्लोबल सिटी का लेआउट है पूरा का पूरा। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ग्लोबल सिटी है वो डेवलप की जानी है, ये वाला जो रोड है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये द्वारका एक्सप्रेसवे रोड हो गया, ये आपका CPR रोड हो गया, और ये वाली जो लैंड पार्सल होगी इधर, ये सारी की सारी आपकी क्रीसुमी की लैंड पार्सल है जो कि इसके साथ कनेक्ट किया करती है। इसके अंदर काफी हाई राइज बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी उनका, क्योंकि ग्लोबल सिटी का जो FAR है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट बिल्डिंगें इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्लोबल सिटी एक प्रकार से एक सिटी रेडी की कर रहा है जो बाय एक गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट है। इसके अंदर जो आपने अगर दुबई का बिजनेस भी अगर देखा है तो उस कंसेप्ट के ऊपर इसको डेवलप किया जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसके हिसाब से इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट किए जाने हैं, कुछ चेंजिंग होंगे जो बेटर बनाएंगे इस चीज को, तो चेंज करते रहेंगे साथ के साथ। उसके बाद जो क्रिसुमी है वो अपनी रेजिडेंशियल सिटी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिसका बेनिफिट दोनों प्रोजेक्टों को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो इम्प्लॉयमेंट आएगा, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको रहने के लिए जगह, तो क्रिसुमी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, और क्रिसुमी को चाहिए रेंटल इनकम जो कि ग्लोबल सिटी से आनी है। तो ये एक लंबे प्रोजेक्ट है और लंबी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, और क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी एग्जिट होना चाहते हैं तो आप उतना अर्न नहीं कर सकते जितना आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिसुमी के जो लाइसेंस है, 30 एकड़ का लाइसेंस जो मिला हुआ है वो ये वाली पूरी टाउनशिप है, जिसके अंदर वाटरफॉल जो फेज 1 जो कि डिलीवर्ड होने वाला है और जिसका काम चल रहा है। ये फेज 1 की पूरी लैंड आती है, जिसके अंदर ये फेज 1 है, ये पूरा फेज 1 आता है जिसमें 3 टावर थे, वाटरफॉल रेजिडेंसी जिसका नाम था फेज 1। उसके बाद फेज 2 आया जिसमें एक ही आपका स्टूडियो अपार्टमेंट था, ये वाली लैंड पूरे 1 टावर के लिए थी स्टूडियो अपार्टमेंट की। उसके बाद अब थर्ड जो फेज आ रहा है वो ये है कि इसमें जो ये 3 टावर देख रहे हो, ये वाले 2 टावर इधर हो गए, उसके बाद थर्ड टावर ये वाला हो गया। ये टावर 3.1 जो आप देख रहे हैं ये 4x4 है। उसके बाद टावर 3.2, इसके ऊपर 6 यूनिट है और इस टावर के ऊपर भी 6 यूनिट है। तो ये तो एक नॉर्मल लाइसेंस के अंदर आपको थोड़ा अच्छा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक्चुअल मैप में दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टावर है ये है इनका
जो अभी एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो टावर लॉन्च करना है वो टावर नंबर 6 ये वाला लॉन्च किया जाएगा, जिसकी हाइट 46 स्टोरी होगी। और अगर हम इनकी हाइट देखें, टावर 3-1 की 35 और टावर 2 की 39 और टावर नंबर 3 की 42 स्टोरी, यानी हाइट बढ़ गई है, साइज बढ़ गए हैं, अब यहाँ पे अपग्रेड होके चीजें आएंगी। उसके बाद ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर अपना क्लब रेडी कर रहे हैं, जो कि सबके लिए ओपन होगा। इन फेज के लिए सबका एक क्लब हाउस बना रहे हैं 1.5 लाख+ स्क्वायर फीट का। जैसे कि आपने देखा होगा DLF फेज 5 में एक अलग से क्लब है ना। तो यहाँ अगर देखा जाए तो फेज 2 में जो ये वाला जो टावर था, इसका खुद का एक क्लब है टावर के नीचे, यानी ग्राउंड फर्स्ट पे। उसके बाद वाटरफॉल रेजिडेंसी का देखें तो वाटरफॉल रेजिडेंसी के अंदर ये वाला क्लब है, तो इनके तो ऑलरेडी क्लब है। अगर ये वाले जो मेंबर हैं और इस क्लब में जाना चाहेंगे तो इनको मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी। तो ये तो है इसके एक डिटेल। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल लेआउट की। ये एक्चुअल लेआउट है इस प्रोजेक्ट का, कैसे होगा। ये आपका सेंट्रल फेरीफेरल, ये वाला रोड है CPR रोड, सेंट्रल फेरीफेरी रोड। उसके बगल से ये सर्विस लाइन है, जिस सर्विस लाइन से आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। यानी ये वाला तो रोड हो गया, और इसके बगल में ये वाली जो लाइन है ये आपकी सर्विस लाइन है, इससे इस प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। अगर हम बात करें वाटरफॉल रेजिडेंसी, ये वाली वाटरफॉल रेजिडेंसी जिसकी फिनिशिंग चल रही है, ये वाला एरिया है। फेज टू की बात करें तो ये वाला जो एरिया है, जो एक टावर आ था ये फेज टू था, इसकी एंट्री ऐसे होगी, यानी इनकी अलग अलग एंट्री है। उसके बाद अगर हम फेज थ्री में जो स्टूडियो आना है वो ये वाला टावर आएगा स्टूडियो के लिए, जिसमें जो साइज होगा 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट 1 LD के, ठीक है, स्टूडियो प्लस 1 LD के, ये दो साइज आएंगे। उसके बाद ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये है जी आपका क्लब हाउस, यानी क्लब हाउस 1.5 लाख+ स्क्वायर फीट का। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल की, तो टावर 1 जो कि 4-2 कोर है, जिसके ऊपर 4 ही अपार्टमेंट आने हैं, इसके ऊपर बड़े साइज के अपार्टमेंट इसमें होंगे। उसके बाद जी आपकी एक्टिविटीज, क्लब, ग्रीन एरिया, गार्डन एरिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये प्रॉपर इसके अंदर है। ये जितना भी ये वाटर लॉबी होगी ये वाटर की होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट है ही वाटर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको वाटर की काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चाहे वो वाटर फाउंटेन हो या आपका कुछ अलग से सीनरी यहाँ पे रेडी की जाएंगी, तो वो वाटर से रिलेटेड ज्यादा रहेगी, जिसमें ग्लोबल सिटी फेसिंग यूनिट होंगी और आपके बैक साइड फेसिंग यूनिट भी होंगे। तो इसमें टावर टू के अंदर बात करें तो 6 यूनिट आपके टावर नंबर 2 के ऊपर आती है, टावर नंबर 3 के ऊपर भी आपकी 6 यूनिट आपकी यहाँ पे आ जाती है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये ड्राइवर है, जिसके ड्राइववे है जिसके ऊपर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, और इस प्रोजेक्ट और आगे भी यहाँ पे फेज 5 यहाँ पे आना है, ठीक है, इसके आगे भी फेस आना है। अभी यही हुआ है, यहाँ भी इनकी खरी सुनी की लैंड पार्सल आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब लेआउट के बारे में, लेआउट ये टावर नंबर 1 का लेआउट है, जिसमें 4-2 कोर यूनिट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या हो, कौन सा साइज आएगा, 3 LD+ servant unit number A। तो इसके अंदर जो कार्पेट एरिया है 1485 स्क्वायर फीट का है। उसके बाद अगर हम देखें एस्क्लूसिव जो एरिया है 2157 का, और जो सेलेबल जो एरिया होगा वो होगा 2700 स्क्वायर फीट का, 3 BHK+ servant हो। तो ये एरिया इस फ्लैट का आता है। ये ऑलरेडी जो एक्चुअल लेआउट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूं, जो भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट डालता हूं। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन करके जरूर कर ले, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। उसके बाद अगर हम साइज की बात करें तो ये जो साइज है ये है आपका टावर नंबर 1 का और यूनिट नंबर 4 का। इसके ऊपर जो साइज आएगा 2 LD का आएगा। उसके अंदर जो कार्पेट एरिया है 1301 है। आपका एक्सक्लूसिव जो एरिया है इंक्लूडिंग बालकनी का वो आपका 1868 स्क्वायर फीट का है, और टोटल सेलेबल जो एरिया है वो 2365 स्क्वायर फीट का है। ये आपका एरिया है, आप टेलीग्राम में जाके लेआउट देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टावर 2 और टावर 3 की, जिसके ऊपर 6-6 यूनिट है, उसके इस यूनिट की बात करें नंबर 5 की, तो इसमें जो है 2 LD+ कार्पेट एरिया 1060
उसके बाद आपका विग बैल्कनी 1484, और फिर आप अगर टोटल सेलेबल एरिया देखेंगे तो 1925 स्क्वायर फीट का आएगा, और ये वाला आपको साइज ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों हम साइज को भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम साइज बात करें तो वो है 957 आपका कारपेट है, 1251 विद बैल्कनी और 1740 विद। तो ये 2LDK प्लस ए का ये आपका साइज था। उसके बाद अगर हम बात करें 2LDK बी यूनिट, यानी ये वाली यूनिट है, ये बी है टावर 2 एंड टावर 3 के अंदर, इसमें 957 आपका कारपेट है, विद बैल्कनी 1251 है, सेलेबल 1740 स्क्वायर फीट का। उसके बाद अगला है आपका 2LDK प्लस स्टडी की बात करें तो कारपेट एरिया 1080 विद बैल्कनी 1504, उसके बाद सेलेबल एरिया 1964 स्क्वायर फीट का, और ये यूनिट है, दो दो यूनिट है टावर नंबर 2 और 3 की। उसके बाद दोस्तों बात करें 3LDK का, 3LDK है 1243 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया विद बैल्कनी 1809, सेलेबल एरिया 2260 स्क्वायर फीट का, और ये वाली यूनिट ये वाली है, ठीक है। उसके बाद ये लेआउट थे, और ज्यादा अगर और डीपली आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जाके आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस को लेके कि इसका प्राइस क्या हो सकता है और क्या क्या इसमें है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें 2LDK से लेके 3LDK तक के साइज है, 2LDK, 2LDK S, 3LDK, 3LDK S, ठीक है। तो 1740 से लेके 2700 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलते हैं, और लमसम अगर हम प्राइस की बात करें तो 20,000 से लेके 22,000 स्क्वायर फीट तक के ऑल इंक्लूसिव प्राइस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। स्टूडियो का अभी नहीं आया है, स्टूडियो का हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो रेरा आ चुका हो, और स्टूडियो का अगर रेट देखेंगे तो रेजिडेंशियल से 1,000 से 2,000 आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी ये थोड़ी यूनिट अलॉट करेंगे, उसके बाद हाई रेट के ऊपर ये अदर यूनिट प्लान कर रहे हैं आगे लॉन्च करने की, यानी ये आधी यूनिट स्टूडियो की, आधी यूनिट अभी रेजिडेंशियल की अलॉट करेंगे, और फर्स्ट के जो कुछ कस्टमर्स हैं उसको ये कुछ स्पेशली बेनिफिट है वो देंगे। EY एक्सेप्टेड होने लग गई है और प्रायोरिटी है वो जनरेट होने लग गई। अगर आप NRI कस्टमर है तो आप वहीं से अभी RTGS भी कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी है वो जनरेट की जा सकती है। अकाउंट आ चुका है, रेरा आ चुका है, एस्क्रो अकाउंट आ चुका है, अब ये 23 अप्रैल को ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे, चाहे वो स्टूडियो हो या फिर आपका रेजिडेंशियल हो। स्टूडियो 46 स्टोरी का है जिसके अंदर लमसम आपको 450 के आसपास की यूनिट देखने को मिलेगी, रेजिडेंशियल के अंदर लमसम 650 यूनिट है, उसके बाद ये आधी आधी यूनिट है अभी अलॉट करेंगे, उसके बाद बाकी रेट रिवाइज करके लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी क्वेरी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप कंफर्म अलॉटमेंट के तहत जाना चाहते हैं, फेयर डील लेना चाहते हैं, साफ सुथरी डील लेना चाहते हैं, तो आप अपना गूगल फॉर्म, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको फिल करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे तुरंत आपसे बात की जाएगी और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट सजेस्ट की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर कर लें, ऑल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।